हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी पढ़ाई करने 5 बजे। लेकिन स्टूडेंट की लाइफ में कैसा होता है ना, जल्दी उठ के पढ़ाई करो, मतलब पूरा दिन पढ़ाई 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 बस। और 10th में आके तो और भी ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि बोर्ड्स है, बेटा पढ़ बेटा पढ़ बेटा पढ़, कितना पढ़े इंसान आखिर। लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। अभी मम्मी ऊपर वॉक पे गए हैं एंड पापा सो रहे हैं मज़े से, इसलिए हम तीनों अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मम्मी वॉकिंग की ड्यूटी, मैं पढ़ाई की ड्यूटी और पापा सोने की ड्यूटी। अभी मैं ऊपर जा रही हूँ कबूतर को चिन देने के लिए, क्योंकि हमारे टेरेस पे बहुत सारे कबूतर आते हैं। तुम्हें सिर्फ 2 मिनट 2 मिनट के बाद, तुम डाल के 2 मिनट के बाद उधर देखोगे ना, तो इतने सारे कबूतर आ जाते हैं ना, मज़ा आता है देखने में, इसलिए मैं जाती हूँ ऊपर देने के। तो गाइस, इसमें है कबूतर की गेहूँ। एक्चुअली ये पापा का वे प्रोटीन का डब्बा है। एक टाइम पे ये इसको पापा, इसमें प्रोटीन था, इसको पापा पीते थे जब जिम जाते थे तब। अभी तो बंद हो गया है, लेकिन एक टाइम पे ये पापा का वे प्रोटीन था और आज इसको कबूतर के खाने के डब्बे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। गजब बेइज्जती है। अभी मैं उसको लेके जा रही हूँ ऊपर। अभी मैं इसको इधर टेरेस पे आ गई हूँ और मम्मा यहाँ पे वॉकिंग कर रही है। हाय मम्मा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कबूतर को बुला तो सही, वो आ जाएगा, उसको दिखेगा। ऐसे थोड़ी होता है, उसको पता भी कैसे चलेगा कि तूने दिया है। नहीं, वो उसको सुनाई नहीं देता, उसके कान नहीं होते। किसने बोला उसके कान नहीं होते? पापा ने। पापा ने ही बोला कबूतर के कभी कान नहीं होते, तो मैं नहीं बोलती। Stop it. पापा से क्लैरिफाई करते हैं हम लोग फिर। हाँ। पापा ने ही बोला था एक बार। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। Okay. कबूतर के कान नहीं होते। जा, अभी जाके उसको इशारा तो कर दे, आ जाओ, मैंने रखा है खाना। वो आ जाएगा, देखो 2 मिनट में। एक कौवा आया, देख देखना है। कौवा आया, देख। कौवा अभी पानी पीने की तैयारी में है। पी ले बेटा, क्या देख रहा है तू? सो अभी मैं और मम्मा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं और मम्मा जा रहे हैं सब्जी लेने, क्योंकि आज एकादशी है तो थोड़ी सब्जी लेने जाना था। तो मैं और मम्मा निकले हैं। सो मम्मा, क्या हाल? क्या हाल? हर बार मेरी बेटी हर बार हाल ही पूछती है। बट नो वरीज, एक्चुअली आज हम माँ बेटी शॉपिंग के लिए निकले हैं। सब्जी बोले तो आलू और वो सब जो ये साबूदाने की खिचड़ी हम बनाएंगे आज, बिकॉज आज एकादशी है, तो उसके लिए चाहिए थी। और थोड़ा सामान भी ज़्यादा लेना था ग्रॉसरी का, तो मैंने सोचा चलो आज माँ बेटी साथ में जाते हैं शॉपिंग करने। अभी बाहर का क्लाइमेट मतलब बहुत अच्छा है, ना ही ज़्यादा धूप है और ना ही गर्म, मतलब धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है, तो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन वो बफारा नहीं सूखे हुआ, बफारा नहीं सूखे हुआ, बफारा नहीं सूखे हुआ। ह्यूमिडिटी, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत है इसलिए थोड़ा चिपचिप लग रहा है। तो फाइनली हमारी छोटी छोटी शॉपिंग हो गई है एंड वी आर बैक ऑन द वे होम। वैसे एकादशी करने में इसको तो अच्छा लगता है एकादशी करने में, बट फॉर आशु एकादशी इज लाइक अ बिग टास्क। बट उनको क्या है कि साबूदाना की खिचड़ी पसंद है, सो थैंक गॉड। वो साबूदाना की खिचड़ी पसंद है ना, इसलिए मैं फास्ट करती हूँ। बोलो, सुना लोगों के क्या 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 सोच है लोगों की कि वो लोग फास्ट क्यों करते हैं। एक्चुअल रीज़न तो कहीं गाया भी हो जाता है उसमें कि भाई मनपसंद चीज़ खाने को मिलेगी इसीलिए फास्ट करना है। हद है यार, चल आ जा। चलो थोड़ा वेट भी ज़्यादा है, मिलते हैं बाद में, सी या।
हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि की मंडे से स्कूल स्टार्ट हो रही है। और मतलब छोटे बच्चों की स्कूल अभी तक वो ऑनलाइन ही है, और ये बड़ों की मतलब 10th 9th 10th ये सब इन लोगों की स्कूल स्टार्ट हो रही है मंडे से, लेकिन ये ऑप्शनल है। लास्ट टाइम हमने सोचा कि नहीं भेजेंगे क्योंकि कोरोना बहुत ही था, तो इस बार अभी कंट्रोल में है तो अभी सोचा कि चलो अभी भेजते हैं क्योंकि 10th है तो अच्छे से ये स्कूल जाकर पढ़ पाएगी। और दूसरा फ़ायदा मेरे लिए ये होगा कि बार बार ये वृष्टि कंप्यूटर मुझसे मांगती रहती है तो वो नहीं मांगेगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रही ये है। लेकिन वृष्टि बोल रही है कि शाम को तो आकर वो मुझसे कंप्यूटर मांगेगी ही। शायद मैं 12 बजे से 6 बजे लूँ या फिर 6 बजे से 10 बजे। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है चंचा। आई